रुक कुछ और खबरों की ओर। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कमर कस ली है। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया की कोर कमेटी भंग कर एक नई टीम बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम में कुल 26 लोग थे। कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन शिव पांडे का दावा है कि सोशल मीडिया में बदलाव की वजह से कांग्रेस यूपी में और मजबूत होगी और कांग्रेस यूपी सोशल मीडिया से अभी तक 1600 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। निश्चित रूप से हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नए लोगों को जोड़ें, उन लोगों को मौका दें और जो लोग एक्सपर्टाइज हैं सोशल मीडिया की विभिन्न विभिन्न फील्डों के अंदर, उनको हम इसमें काम करने का मौका देंगे। कोशिश तो ये कि जो कांग्रेस की आज तक नीतियां रही हैं, नीति और नियत है और नीतियां हैं, वो हमारी जनजन तक पहुंच पाए। हम जिस तरीके से बाकी पार्टियां सोशल मीडिया के ऊपर गलत तथ्य गलत तरीके से बातें करती थी, हम उनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया की कोर कमेटी भंग कर एक नई टीम बनाने का ऐलान किया है। तो सोशल मीडिया संगठन में हो सकते हैं बड़े फेरबदल। तो कांग्रेस सोशल मीडिया की कोर कमेटी को भंग कर दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से अब चुनाव को लेकर के किस तरीके से प्रचार किया जाए और जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वो जनता तक पहुंचे और साथ ही साथ युवाओं को जोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश सबसे ज्यादा होगी और युवा शक्ति को पार्टी में लाने की कोशिश भी है। तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया की कोर कमेटी भंग कर एक नई टीम बनाने का